नमस्कार दोस्तों, हमने यह तो सुना होगा कि किसी के दिल की बीमारी के वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिवर की बीमारी के वजह से भी लिवर के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। मैं डॉक्टर स्नेहवर्धन पांडे, पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन, पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में आज आपसे एक चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो क्या होता है पोर्टल हाइपरटेंशन? लिवर को ब्लड पहुंचाने वाली दो नसें होती हैं। इसमें से मेन जो नस होती है उसे हम पोर्टल वेन कहते हैं, जो 70% ब्लड सप्लाई लिवर को देती है। दूसरा जो ब्लड वेसल होता है वो हिपैटिक आर्टरी होता है, जिससे लिवर को 30% ब्लड सप्लाई मिलता है। हम बात करने वाले हैं पोर्टल वेन के बारे में। यह जो नस है वह अन्न नलिका, पेट, अतड़ियाँ और स्प्लीन, जिसके हम स्प्लिया कहते हैं, उसकी नसों के जुड़ने से बनती है। तो यदि इस पोर्टल वेन में किसी भी कारणवश यदि प्रेशर बढ़े, तो बैक प्रेशर की वजह से ये सारी नसों में भी प्रेशर बढ़ जाता है। यदि ये नसें फट जाएं तो खून की उल्टियां हो सकती है और पैखाने में भी ब्लीडिंग हो सकता है, जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन का सबसे सिवियर कॉम्प्लिकेशन होता है। किसी भी कारणवश यदि पोर्टल वेन में कोई ब्लॉकेड हो या लिवर में किसी भी बीमारी की वजह से यदि इसका प्रेशर बढ़ता हो तो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। इसकी वजह से अन्न नलिका, पेट और अतड़ियों की नसों के साथ किडनी और लंग्स की नसों भी खुल जाती हैं, जिसकी वजह से इसके सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसमें से खून की उल्टियां और पैखाने में ब्लीडिंग सबसे सिवियर कॉम्प्लिकेशन होता है, जो कई बार जानलेवा भी होता है। तो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से यह प्रेशर बढ़ता हो? अडल्ट्स में जैसे हम देखें तो लिवर सिरोसिस यानी लिवर की बीमारियों की वजह से यह प्रेशर बढ़ता है। हालांकि बच्चों में अधिकतम कारण पोर्टल वेन के किसी बनावटी कारण के वजह से होता है, जिसको हम पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस या एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में पोर्टल वेन में एक ब्लॉकेट होता है और उसके आसपास नई नसें बन जाती हैं, जिससे लिवर काम तो सही से करता है लेकिन इस नसों में प्रेशर बढ़ जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बच्चों में लिवर खराबी के होने की वजह से भी पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, पर यह EHPVO से कम सामान्य रहता है। इस पोर्टल हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट कैसे की जाए? जिस तरीके से ब्लड प्रेशर के लिए हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं, उसी तरह पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए भी उसकी ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवा चालू की जा सकती है। इन दवाइयों के साथ जो नसें ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, जो सूजी हुई होती हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए एंडोस्कोपी द्वारा इनको बुझाया जा सकता है। इन नसों में एंडोस्कोपी द्वारा एक बैंड लगाया जा सकता है या इसमें एक इंजेक्शन डालकर इनको सुखा दिया जा सकता है, ताकि इनसे ब्लीडिंग ना हो। यदि एंडोस्कोपी और दवा से कंट्रोल ना मिले तो ऑपरेशन द्वारा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, जिसे हम शंट सर्जरी कहते हैं, जिसमें पोर्टल वेन को सीधे एक बड़ी नस से जोड़ दिया जाता है और इसका प्रेशर कम कर दिया जाता है। और आखिर में यदि लिवर की बीमारी और ज़्यादा सीवियर होती जाए और इसका ट्रीटमेंट ना हो तो पोर्टल हाइपरटेंशन का बढ़ना नाजमी है। अंत में इसका ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांट द्वारा ही किया जा सकता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि पोर्टल हाइपरटेंशन लिवर के बीमारी का एक कॉम्प्लिकेशन है। यदि लिवर के बीमारी का ट्रीटमेंट उचित तरीके से किया जाए तो पोर्टल हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस बीमारी के बारे में आपके और भी ज़्यादा प्रश्न होंगे, जो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल द्वारा या कमेंट बॉक्स द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।